हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कालरा, नई दिल्ली से दिल्ली के एक छोटी सी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और ऐसे मिडिल क्लास लोगों में से एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। हम दोनों साले ना वो हो चुके हैं बिल्कुल, जिसको बोलते हैं फालतू के लोग, वो हैं आर्टिस्ट आदित्य देव शर्मा। मैंने ग्रुप बनाया माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, बनाया तो मैंने था लेकिन अब हम सबका ग्रुप है, और उसमें एक आदित्य देव शर्मा है जो कि उनकी एक आर्ट गैलरी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब हैरान हो जाओगे, ये इंसान इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से नहीं सीखा इन्होंने, सब मैंने कौन सा कुछ सीखा था, मैं भी तो डॉक्टर था। अब देख रहे हो मेरे अलग अलग रंग, तो इनके भी अलग अलग रंग है। अब ये सुट्टा मारने गए, ऐसे जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना सब सुट्टा जरूर मारते हैं। क्या बोलूँ यार, मैं समझाता हूँ यार, मत बंद कर दे सब, लेकिन नहीं करता अभी, क्योंकि अभी वीडियो बना रहा है, थोड़ा सा फीलिंग ले रहा बाहर सुट्टा मार के, भाई साहब आ रहे हैं, तब तक मैं आपको इनकी वो दिखाता हूँ, इनकी गैलरी दिखाता हूँ। चलो आओ मेरे साथ, पीछे पीछे आओ। वो सीरियल था ना, सास भी कभी बहू थी, उसमें सब स्मृति ईरानी जी के साथ पीछे पीछे चलते हैं, आप भी मेरे पीछे पीछे आओ। चलो ये देखो, अरे देखोगे क्या कैमरा चेंज करना पड़ेगा मुझे, रुको आओ भाई, मैं आदित्य जी से मिलवा दे रहा हूँ आपको, फिर चलते हैं इनकी गैलरी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भाई साहब इधर आओ, इधर आना पड़ेगा। ये रहे मिस्टर आदित्य देव शर्मा, ये मेरे बचपन से तो नहीं बोलूंगा, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ, मैं लाली साले सिगरेट सुट्टा मार के आया, तुम गलत बात है। चलो, और ये क्योंकि मैं 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी उम्र का पता मत लगाना, 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो कितने साल हो गए मेरी एज को, गलती होगी बताने में, 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ, छोड़ो। और आदित्य जी तब से मुझे जानते हैं और मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और क्रिएटिव माइंड के इंसान जो होते हैं वो सब हमारे से फालतू होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, संडे को कोई प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन आज मुझे लगा आज अच्छा मौका है, मैं खाली था तो आदित्य जी से मिलते हैं। तो आदित्य जी आप अपने बारे में कोई बताएं, फिर इनको पेंटिंग दिखाते हैं आपको। हाय आदित्य। हेलो फ्रेंड्स, कुदरत देखिए आर्ट जो है, पेंटिंग जो है, वो लगभग सभी लोगों के अंदर होती है प्रॉपर्टी के तौर पर, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम और चीज़ों में जीवन के हर आयाम में हम चीज़ों को समेटते हैं, ऐसे ही अपने विचारों के लिए उनको उनको जोड़ने के लिए, उनको संग्रहित करने के लिए हम जो है वो पेंटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो थॉट्स हैं उनको हम कहीं पर की कोई शेप नहीं दे सकते हैं, लेकिन विचारों को जब शेप देनी हो तो सबसे आसान माध्यम जो है वो पेंटिंग है, क्योंकि समय का कोई भी पेंटिंग जो होती है वो समय को बहुत रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आदित्य जी हैं और इतने शुद्ध हिंदी बोलते हैं भाई साहब, मेरे तरह एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता। अब इनकी जो ऑडियंस है वो सब ऐसे हैं, सब सुन लेते हैं, इनको समझते हैं, वो सब इनको जान लेते हैं। मेरे सच बताऊं, मैं इनको वार्निंग देता हूं, जब भी तुम्हारे पास आऊंगा भाई साहब, अगर मेरे साथ ऐसी हिंदी बोली मेरी कट्टी, मैं बात नहीं करूंगा दोबारा। लेकिन ठीक है, अब इनके विचार, इनकी मैं फालतू की बकवास करता हूं, ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं, अभी मैं इनके वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है इनका बहुत बड़ा, जिनके सारे ये सारा, क्योंकि इनके पास तो टाइम होता नहीं, ये तो मुझे भी बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला आज इनका, और इनका जो सब सर्वे सर्वा बोलते हैं, करना धरता जो भी है, आप जो आज कराए हमसे, जो हमारा आदित्य देव इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मिस भारती सप्रा जी ने की है, और वो इस पूरे हम आपको अभी उनसे मिलवाते हैं, भारती जी से मिलवाते हैं, थोड़ा शर्मा रही है लेकिन ठीक है, इनके बिना ये चलता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला जो कर रहा हूँ ना ये काम, मुझे पता है कितना मुश्किल है, मेरा बैंड बजा हुआ है, मैं भी अब रखूंगा दो चार, तो मैं से अगर कोई ढंग का बंदा है सुन रहा भैया मुझे फोन कर देना, आ जाओ मेरी भी कोई हेल्प कर दो, ये साला स्टिक भी हाथ में पकड़े खड़ा हूँ, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। क्या हो रहा है, चलो हाय मिस भारती, आपसे मिलवाता हूँ एक मिनट। वेलकम टू आदित्य देव इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। अब कुछ बताएंगे मैम आप इसके बारे में? हाँ, वी प्रोवाइडेड कोर्सेज इन आर्ट फील्ड एंड वी प्रोवाइड कोर्सेज विद सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास व्हिच इज एप्लीकेबल इन एवरी आर्ट फील्ड यू आर लुकिंग फॉर। गुड, ऑल द बेस्ट टू मिस भारती फॉर योर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। यस, वो तो हाँ, वो ऐड जरूर कर दो भाई, वो तो मैं ही कर दूंगा यार, वो मैं ही कर दूंगा, आप चिंता, वी आर लोकेटेड एट विकासपुरी, वो सब मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करो, वो सब मेरा काम है।
भाई साहब देखो फ्री पढ़ने का ऐड पैसा कोई नहीं मिला, चाय पिलाइए साले ने एक, वो भी कटिंग वाली चाय। रुको चलते हैं हम अंदर। मेरी फोटो ला, देखो आदित्य जी को, देखो आदित्य जी का है काम धाम सब, देख रहे हो बैकग्राउंड में आप इनकी पेंटिंग देखते चलो। ठीक है चलिए आइए आदित्य। ये सब इंक इंक से बनाया गया है जी, मतलब कि पेंटिंग के अंदर वैसे मीडियम कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी चूंकि उसको कहीं ना कहीं किसी सरफेस पर कहीं ना कहीं लाना ही होता है इमेज को, तो ये ऑयल ऑन कैनवास बहुत ही गजब की पेंटिंग है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप एक बार यहाँ चक्कर लगाओगे ना आप यही 2 घंटे आपका पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ये देखो मेरे पीछे की पेंटिंग देखो, वाह देख रहे हो आप, मेरा फोन ना गिर जाए भाई साहब, नया खरीदा है। आदित्य अगर तुम्हारी पेंटिंग के चक्कर मैं बर्बाद हो गया तो नहीं ऐसा होना। अच्छा चलो ठीक है, अब ये दिखाते हैं आपको पेंटिंग्स, ये देखिए वाह आदित्य ये अपनी पेंटिंग के बारे में बताओ यार। ये पीछे जो पेंटिंग नजर आ रही है हमें, ये बहुत ही यूनिक मीडियम है जी, इट्स अ वर्ल्ड वाइड एक फ्रेश मीडियम है, और इसको मैं स्क्रैच ऑन बोर्ड कह सकता हूँ। और ये क्या पेंटिंग है इस, ये वाली जो मेरे पीछे, ये एक्रेलिक ऑन कैनवास है जी, और इसके अंदर जो है वो दो तरह की मतलब कि मैन एंड वुमेन रिलेशंस के बारे में मैंने कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश की। अडल्ट मूवी है, नहीं नहीं अडल्ट नहीं है जी, सब कुछ अगर स्त्री और पुरुष के बारे में बातचीत की जाए चलो ठीक है। सभी अडल्ट ये देखो है, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस कैमरे को मैंने सेल्फी से उस पर कहाँ डालू मोड पे, पर पीछे पीछे देखते मजेदार है सब, बढ़िया माहौल है। ये आदित्य जी अब आपको आदित्य जी दिखाएंगे, मैं थोड़ा सा स्टिकर के हाथ में दे रहा हूँ जी। ये जर्नी इन प्रोसेस करके एक पेंटिंग है जी, और ये बहुत पेंटिंग के अंदर जो बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए उनके अंदर खासतौर से फ्रेम ऑफ टाइम भी रहना चाहिए, कंपोजिशन भी रहने चाहिए, एंड कलर्स का तो अपना एक मजा ही है, और ज्यादातर पेंटिंग में लाइनें भी बात करती हैं, कलर्स भी बात करते हैं। आप देख लो गुरु, मतलब हम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आदित्य जी ने इतने कम टाइम में कहां से कहां क्या क्या कर डाला है, पूरा मतलब रंग ही रंग नजर आ रहे हैं। होली के रंग, होली का माहौल है और होली पे हम लोग सब कलर्स खेलते हैं, पर ये वाले रंग अजीब है, इनसे देखो आप जिंदगी, ये है ये असली कलर है, वो सारे नकली कलर लगा के। अगर संभव हो तो मैं आपको विद इन सेकंड्स जो है विद इन मिनट अगर आपको एक पेंटिंग, उसके लिए मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं अलग से हम बनाते हैं। और चलो ऑल द बेस्ट बोलते हैं आदित्य जी को और भारती जी को भी, चलते हैं एक बार दोबारा, तीनों हम लोग एक बार आपसे विदा लेते हैं, और आदित्य एंड भारती प्लीज से ऑल द बेस्ट टू मी आल्सो, ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर कार्ल। यस हम तीनों क्या भी और लोग भी हैं सब रॉक करेंगे और कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे भाई, अभी इतनी जल्दी कुछ होने वाला खत्म है नहीं, लाइफ तो अब शुरू हुई है यारो, चलो बाय।